प्यारे बन माजा, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बन भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है असर का टाइम है और हम बनाना स्टार्ट करें इफ्तारी का कुछ सामान। वो देखिए फ्रूट वगैरह जो है हमारे मतलब पुसे रखे हैं क्योंकि फ्रिज तो हमारी है नहीं, फ्रीजर है, उसमें मम्मी का सामान पड़ा रहा था। हमने जो है ठंडा ठंडा पानी लेके मोटर से ताज़ा, तो उसमें जो है फ्रूट वगैरह पुसा दिए थे। और चावल जो है वो आने वाले हैं, हमारी बिरयानी वो आएगी खानपुर से, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम फ्रूट वगैरह काटते हैं, इसके बाद जो होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ पे जैसे आप लाइन लगाते हैं, दस्तरखान भी हैं, वो लगाना शुरू करें, तब तक जो है इंशाल्लाह ताला देख पक के भी आ जाएगी। और बेबू ने टप के अंदर ही काटना शुरू कर दिया। बेबू ये क्या कर रहे हो, काट रहे हो? चलो जल्दी काटो, टाइम थोड़ा है। ओ तेरी खैर। चलें जी, ये भी हैं और ये भी हैं और कुछ फ्रूट्स दूसरे हैं, इंशाल्लाह सब मिक्स करके। अस्सलाम वालेकुम, पढ़ ली नमाज? माशाल्लाह। करियत? हाँ बस काम था। अच्छा तो इधर बर्तन जो है वो धुले रखे हैं सारे। हाँ जी, ये जो है बर्तन ये किराए वाले लेके आता हूँ, तो पिछला दफा सबा दो प्लेटें काम हो गई, वो मिली है किसी के घर? पता किया है? नहीं। पता तो नहीं किया ना, तो पता कर लेना आज। ये भी अभी गिन लो के 50 पूरी है ना। पहले आज गिलास कितने उठाए? 20 20 गिलास, 10 जग। हाँ, 5 दस्तरखान और 50 प्लेटें। 8 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लेटें गिन लो फिर, तसल्ली कर लो, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो हम सामान लेके आए थे तो 100 प्लेट लेके आया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अफ्तारी थी, 100 प्लेट लेके आया, उसमें से ना 98 वापस गई है, 2 प्लेटें जो हैं वो गुम हो गई थी। तो इतनी किराया नहीं बनता जितनी प्लेटें गुम होने के फिर वो पैसे लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ढूंढना, लेकिन इसने किसी के घर में नहीं देखा, कोई चावल ले गया होगा, इसने देखा नहीं। हाँ अब पूरी है ना 50, फिर शाम को जब वो देने जाऊँ फिर कहना जी ये तो 47 है, किसी के घर पूछने भी नहीं गई यार। आपको पता तो है गर्मी है, किसी के घर दिल नहीं करता जाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी सब फिर काट रही है, बस क्यों आप काट रही है? ये बेबू ने उठाया हुआ था, मैंने अपना नहीं काटा। फिर हाथ आपने लगाया ना, इसलिए वो सफेद हो गया जल्दी से। अच्छा कोई नहीं, मीठा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी देखते हैं ये वाला मतीरा कैसे निकलता है। माशाल्लाह, लाल लाल, ये देखो सबाब। अब आप ना ही काटा करो तो बेहतर है। चलो जी, मैंने तेरा नसीब ही सड़िया पैसा आजकल। मोहम्मद हसन भी उठ के आ चुका है। आज के हो, आप तो सोए पड़े थे शहजादे। हंसता हुआ आता है माशाल्लाह। हाँ जी बख्त है, बख्त बुलंद हो भी। तो जी तरबूज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काट चुके हैं, और अब जो है ना वो शरबूज गर्मा सर्दा जो है ये काटना शुरू कर दिया है। सही है, बाकी 1 घंटा रह गया, देख लें। ये वाला सूट जो है नया आज सोत्र को दे रहा हूँ। जब तक तेरी हालत चेंज ना होवे बाहर ना आवी पुत्र, हालत चेंज करके सोना बन के तो बाहर आवी। माशाल्लाह, अमीना आ चुकी है साथ में, फिजा आपी भी आ चुकी हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह आ गए। माशाल्लाह, और घर में सब ठीक थे? सब ठीक था। रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे इंशाल्लाह सा दुख तो मुतवातर, बाकी बे रखे ने तो शानू दुख ना ने अता फल माए जे करके ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैयान? क्या हाल है अमीना? ठीक हो? ठीक हूं। तबीयत ठीक है? कपड़े गिन गिदे से होंगे ना, सर गिन गिदे से ईद तक पे आ गए। वाह, तू तो आप दुआ का ईद आवे लेकर ईद को ईद की देनी है। नहीं आप अमीर हो गई हो। हां वाह, अच्छा बात सुनो, बात सुनो। अच्छा मेरी अच्छा बात तक भी
ठीक है, मेरी घड़ी नहीं है तो मुझे नवी घड़ी पहनाओ। ये मुंदरिया नविया है दे, सोनिया लग गया पहन ठीक है। अभी जी अंधेरी भी आ चुकी है, मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, और आज की इफ्तारी है हमारी सिस्टर इधर पाकिस्तान से, उसने पहले काफ़ी नल भी लगवाए हैं बग़ैर प्लेट के बग़ैर नेम के, और आज उनकी तरफ से इफ्तारी दी जा रही है, तो अल्लाह पाक ये इफ्तारी उनकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, तो इंशाल्लाह उनके लिए दुआएँ करेंगे, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, हर दुख और परेशानी से जो है वो दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सलाम नाना जान, क्या हाल है, ठीक हो माशाल्लाह, जा टुरदे वदे हो भला, टुरदे वसो अल्लाह पाक खैर खुशी से ले आया, खैर खुशी से ले जाएगा इंशाल्लाह। अभी बुजुर्ग आपस में मिलेंगे माशाल्लाह। वेलकम वेलकम, मैंने गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, मैंने कहा हरकत करने से पहले जो है मैं इसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि ये मुझे फ़ोन करता और कहता कि यार वो बिरयानी वाला धोखा दे गया और देख जो है वो नहीं पका, इस तरह से बातें करता, तो इसकी बातें करने से पहले ही मैं यहाँ पे पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे जानी, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो? आज तो बिरयानी भी खाई है माशाल्लाह, मजेदार है भाई, इसलिए तो मैंने कहा, आज मैंने सबको बोला हुआ है कि आज स्पेशल बिरयानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी देगे जो है वो बन के आ चुकी है, और अभी जो है मैं आप सबको दिखाती हूँ, VIP और टेस्टी बनी हुई है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें जी माशाल्लाह, आज की बिरयानी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल बिरयानी है, और ये देखें माशाल्लाह, चिकन ही चिकन है इसके अंदर। हाँ जी, चिकन ही चिकन है, और इस पे भी कपड़ा डालो, इस पे कपड़ा डाला हुआ है, और बाकी जो टाइम रहता है इंशाल्लाह ताला तो वो ओके करके फिर चलाना शुरू करेंगे। इफ्तारी करनी है कि तो आके हमारे साथ कर सकते हैं, रल मिल के करेंगे, और बहुत ही मजा आ गया। हाँ जी, चलें जी। बेबो आ गई बिरयानी, कैसे दुआ मांगोगे ऐसे? हाँ जी, अपनी फूफो के लिए दुआ मांगना। हाँ हाँ जी, ठंडा पानी। हाँ जी, पानी बनाना शुरू हो गए? हाँ, पानी भर दिया, चीनी नहीं मिल रही थी, वो अभी देखिए गाड़ी में रखी थी, मैं दस्तरखान बिछाना जो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, दस्तरखान बिछा, और अभी जो दूसरा बिछाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चीनी ये भी आ गई माशाल्लाह, गुड हो गया जी। तो जी ये वाली अभी पैकिंग की है, क्योंकि अजहर भाई वाले अभी आए हैं बिरयानी लेके, और उन्होंने दिया है, और उनकी शॉप ना अकेली है, और उधर तकरीबन 3-4-5 बंदे जो हैं वो रोज़ादार हैं उधर, तो मैंने कहा फिर आप जा रहे हो तो बिरयानी लेकर जाओ, क्योंकि उसको खुद को भी रोज़ा वगैरह है, तो फिर मैंने कहा इधर नहीं बैठना तो फिर ले जाओ, अभी ये उसको देते हैं, वो उधर दुकान पे जाके अफ्तारी करेंगे और दुआ भी करवाएंगे। तो जी अभी बिरयानी दे दी है। ठीक है अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। हाँ, तो ये ना सिस्टर हैं हमारी पाकिस्तान से, बस उनके लिए दुआ करवा देनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नींबू भी डाल दिए गए हैं, अभी जो है इसमें हम सबा बर्फ डाली है इसमें, नहीं अभी लेने जाना है फ्रिज से, तो ले आओ फिर, या मैं ले आऊं? अगर आप मुझे कहते तो मैं ले आती हूं, मैं ले आता हूं, आप इधर फिर संभालो काम। ठीक है, ये तो जी अभी बर्फ खरीदी थी और उधर उनकी फ्रिज में रखी थी, वो अभी लेकर गए हैं, तो इंशाल्लाह पानी जो है वो ठंडा करते हैं माशाल्लाह जी। इधर फ्रूट लगना जो है वो शुरू हो गए, अभी नादिया जो है वो लगा रही है, और इधर मेरी छोटी सिस्टर दे रही है बना बना के, और इधर बाजी जो है वो पैकिंग कर रही है, ऐसे लगाते जाएंगे। तो जी अभी जो है डिस्पोजल डब्बे जो हैं ये मंगवाए थे, अभी ये सारे डब्बों में ना पैकिंग करते हैं, कुछ मस्जिद में भी भिजवा देते हैं, क्योंकि देखें अफ्तारी करनी होती है, एक सवाब होता है, चले उधर मस्जिद में भी लोग अफ्तारी करेंगे, बहुत बड़ा सवाब है। तो जैसा कि आपको पता है रोज़ाना जो है वो दो देंगे होती थी, लेकिन आज जो सिस्टर की हैं वो एक दे गया, लेकिन उसको भी हम दो देंगों की तरह तकसीम करेंगे, और इंशाल्लाह वही अफ्तारी करवाएंगे जैसे हम करवाते हैं। तो ठीक है, डालना शुरू करो, इनमें पैकिंग शुरू करो, फिर मस्जिद में दे आए, टाइम थोड़ा रह गया। माशाल्लाह जी, सबा ने भी पैकिंग करना शुरू कर दी है, इधर हरसोत्र ने भी, तो अभी देखें पैकिंग जो है ना ये तकरीबन हमारी पैकिंग में चला जाएगा, ये मस्जिद में, और दूसरा जो है ये हम अपने घर में चलाएंगे। इसको क्या हो गया? हाँ बीमार है ना, और इधर अम्मी जान भी आ गई माशाल्लाह। तो जी अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके जा रहे हैं मस्जिद में,
माशाल्लाह जी, कैसा इंतजाम लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, आमीन आमीन। तो माशाल्लाह इधर जो सामान लगा है ये तो यहाँ पे लगा रहे, बाकी जो बिरयानी है वो उधर मस्जिद में लेके जा रहे हैं। अभी जी मैं पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, यहाँ पे लगा दी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतराम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह जी। तो आज आपने एक बहन है उसके लिए दुआ करवानी है? ठीक है जी, अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, उनकी फैमिली को सलामत रखे। तो चलें जी, अभी यहाँ पे रख दी है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे तो रोज़ा इफ्तार अभी आधा घंटा रहता है ना तकरीबन, तो इधर आ जाएंगे फिर लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहुँच गए माशाल्लाह, कैसा गुजरा सफ़र? अच्छा गुजरा। सही है, चलें, गुड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ठीक है, चलें बैठे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको पता है ये वाला जो है हमने मस्जिद में जो अफ्तारी के लिए दिया, और बाकी जो ये दूसरा है इंशाल्लाह ये हम अपने घर में जो मेहमान आए हैं जिनको इनवाइट किया गया है रोज़ा अफ्तार करने के लिए, तो उन सब में ये हम अभी तकसीम करेंगे। तो अपने साथ में हमसाए हैं, अपनी फैमिली हैं, जितने भी यहाँ पर आए हैं इंशाल्लाह ताला। ओके हो गया जी, गर्मी तो नहीं हो रही? पंखा चला दो। नहीं बस वो चावल ठंडे हो जाते हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, सारे चावल देवर डाल देते हैं, डाल के रख दिया मैंने। सही है। हाँ जी, अभी बाहर जाते हैं, जो मतलब कम हो गए तो फिर दोबारा आके डाल दूंगे। ओके हो गया माशाल्लाह जी, और मेहमान भी आ चुके हैं। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। अभी जी और भी इधर दस्तरखान लगा रहे हैं, इधर भी मजीद जो है वो खाने लगाते हैं। सही नहीं, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है ना। तो जी अभी इधर बैठा गेस्ट रूम में भी जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे लगा दिया है। जो बे औलाद मेरा अल्लाह, ये नेक दिल दे सबके मेरा अल्लाह, ये नेक नरीना सारे औलाद अता फरमा। मतनी लजपाल दे सबके सारे मुल्क पाकिस्तान दे खैर फरमा मेरा अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अलैहि व सहाबी अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ जो है वो करवा दी गई है, और अभी जो है लाइट पहले चली गई थी, अभी लाइट जो है वो दोबारा आ गई है। मैं दुआ करवाई है सिस्टर के लिए जिसने अफ्तारी करवाई है आज की, तो सब माशाल्लाह बैठे हैं। तो अभी जैसे टाइम होगा 3-4 मिनट रहते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। और ये लेके जा रहा है गेस्ट रूम में, हाँ जो उधर है मेहमान है उनको। रोजेदारो रोजा खोल जो टाइम ठीक है, खोल दी तब सही है माशाल्लाह। रोजेदारों ने जो है वो रोजा खोल दिया है, दो और डाल दो। तो जी सिस्टर ये देख लें, आपकी तरफ से जो अफ्तार दी गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब रोजा अफ्तार कर रहे हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ कैसी बिरयानी है सोतराज, ज़बरदस्त है ना? अभी जी हम दूसरा ये फीका पानी लेके आए हैं, जो भी पानी मांगता है ना वो कहता है मीठे को छोड़ो फीका पानी, फीका पानी और ठंडा पानी अभी मिक्स करके उनको देते हैं जो जो शौकीन है। हाँ रोज़ा होता है ना फिर मीठा पानी ना वो बोझ कर देता है, ये पानी बड़ा मज़ा करता है, मुझे खुद को इसकी प्यास लगी हुई है, मैंने मीठा पानी ना एक सिर्फ घूंट पिया है बस।
ओके हो गया। हाँ जी आप ही जा रही हो? हाँ जी हमें इजाजत दे, हम जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी काफी हो गया है। हाँ जी चलते हैं, जीशान भी जा रहा है। ठीक है आप भी राज गई हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बता आपकी शक्ल बता रही है कितना खाया आज। हाँ जी दोनों टप खाली कर दिए आपने? मैं टप खाली की प्लेटें छोटी छोटी खाली की है। सलामुद्दीन कितनी प्लेटें खाई? पांच। पेट तो तेरा है कुछ नहीं, पतली पसली है तेरी। पांच प्लेटें और इधर साहब इजाजत ले रहे हैं जी। फिजा आप ही अबू से इजाजत ले रही है, जा रहे हैं घर, और अम्मी से ठीक है वन्यो। माशाल्लाह जी अभी लास्ट में जो है ना अबू जान और अम्मी जान बैठ के खा रहे हैं। कैसी बिरयानी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह से नसीब करे। हाँ जी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जिस बहन ने माशाल्लाह इफ्तारी करवाई है। आमीन आमीन। खावण दा डैणा पचावण दा डैणा वे खावण दा डैणा री भाभी आए वो कुदेख है खावण दा डैणे पचावण दा डैणे। तू आख जिया जिया नहीं 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 भाई उसने ना मुझे कहा बताना नहीं तो मुझे इशारा करते कहता ठीक कह रहे हो। अभी अभी पवेगा इनका झगड़ा। शैतान शैतान होता है तो बराए मेहरबानी किसी के दरमियान झगड़ा ना डलवाया करें, कोशिश किया करें। अब कुछ लोग होते हैं मुझे कमेंट्स करते हैं कि असगर भाई वाले ने ना बेबो को आज बहुत मारा है आपको पता भी नहीं है। उत्तरी खैर तो फिर मुखलिस वालों को कमेंट्स करते हैं कि आज आपकी बेटी जो है जैनब उधर उनके घर गई तो अहमद ने उसको चाटा मारा है जोर से। हाँ। वो गिरी है फर्श पे तो आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो आप उनको लगता है कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे कि आपने मेरे बेटे को मारा वो इधर आके लड़ने आ जाएगा मेरी बेटी को मारा। इस तरह से भी लोग हैं। हाँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये वाले कमेंट्स हम इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ दुनिया जो है ना वो हमें बेवकूफ बनाती है लेकिन खुद बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है कि हमारे अंदर इत्तफाक है, हम एक दूसरे के जो है ना कमेंट्स वो इकट्ठे। अच्छा आपके पास कमेंट आया होता है ना, पता है क्या करता हूँ मैं, कहता हूँ यार डॉक्टर शायद डॉक्टर ने पढ़ा ना हो तो उसी की वीडियो से कमेंट्स उठा के उसको व्हाट्सअप कर देता हूँ, भाई ये पढ़ो अगला आपको क्या लिख रहा है, मैंने आपकी बेटी को मारा है। तो हंसने लग जाता है, कहते दुनिया के काम देखो यार लड़वाने की कितनी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी वाह हीरो लग रहे हो, हीरो कोई नजर ना लगा दे तवा मुंह ते मारा तिलक लाई जा दे नजर ना लगे। ओए आज तो थकारे से बोल रहे हो। हाँ आज तो हंस भी रहे हो आवाजें भी निकाल रहे हो। हाँ थकारे दे रहे हो सही है। मोबाइल के लिए सीधा हो रहा है, मोबाइल के लिए सीधा कैसे हो रहा है देख। हाँ सीधा हो रहा है मोबाइल उठाने के लिए। हसन आगे बढ़ता मोबाइल पे भागता है ये मोबाइल। हाँ मैं ठीक है दे बस घर जा रहे हो वीडियो है सही है। तो प्यारे बहन भाइयों आज की हमारी ये वीडियो थी, ये सिस्टर ने अफ्तारी करवाई है अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। तो अभी हमें इजाज़त दें क्योंकि हमने सारा सामान वगैरह भी क्लोज करके वहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो के सारे काम ओके कर दिया है। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो सिस्टर आपको फिर से कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी अफ्तारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। हाँ जी। और फ्रूट्स भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त था। हाँ जी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय बाय।